नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों ने आज सुबह देखा होगा कि मेरे फेसबुक और ट्विटर पर मैंने स्टेटस डाला है जहां पर मैंने समाजवादी पार्टी के साथ अपने सभी संबंध समाप्त होने की बात कही है। साथियों, आप यकीन मानिएगा, ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल फैसला था, बहुत ही कठिन फैसला था, क्योंकि जिस पार्टी से आप कॉलेज के दिनों से जुड़े हो उसे आप एक दिन में नहीं छोड़ सकते, और जहां पार्टी में रहकर आपने विभिन्न पदों पर काम कर रखा हो। मैं नोएडा का महानगर अध्यक्ष रहा, मैं पार्टी का प्रवक्ता रहा, अलग अलग जिलों में जहां पर भी प्रचारक की भूमिका में पार्टी ने मुझे भेजा, चाहे सोनभद्र हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे कैराना हो, चाहे लखनऊ हो, जहां पार्टी ने जिस तरह की जिम्मेदारी दी मैंने बखूबी निभाई है। लेकिन कल मैंने देखा कि मेरी पत्नी के स्टेटस पे कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत ही अभद्र टिप्पणियां कर रखी थी। वो अभद्र टिप्पणियां मैं समझता हूँ सभ्य समाज में किसी भी महिला के लिए नहीं होनी चाहिए, और उन टिप्पणियों पे मुझे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई होगी, जिससे कि चाहे कोई दूसरे दल की ही महिला हो लेकिन अब असभ्य नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगा कि शायद पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई होगी, लेकिन बजाय कार्रवाई के मैंने देखा कि जो आधिकारिक समाजवादी पार्टी के ग्रुप हैं वहां पर मुझे ही नसीहत दी जा रही थी कि आप अपनी पत्नी को समझाइए और नहीं तो फिर हम लिखना शुरू करेंगे। तो मुझे उस टाइम पे लग गया कि जहां जिस पार्टी में रहकर मैं अपने परिवार की और अपने घर की महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता, उनका सम्मान सुनिश्चित नहीं कर सकता, वहां प्रदेश की महिलाओं की या बेटियों की बात मैं कैसे कर पाऊंगा। तभी मैंने ये फैसला लिया कि मैं पार्टी से आज अपने सभी चीजों से इस्तीफा देता हूं, जो मेरी प्राथमिक सदस्यता है, जो आजीवन सदस्य जो मैं हूं, उन सभी उससे मैं इस्तीफा देता हूं। और मैं अपने नौजवान साथियों से एक बात कहना चाहूंगा, साथियों, सम्मान के सामने और आपके परिवार के सामने राजनीति बहुत छोटी चीज है और पॉलिटिकल पार्टी भी बहुत छोटी चीज है। राजनीति करनी है तो करिए विचारधारा की, सम्मान के लिए राजनीति करिए। अगर कहीं आपका अपमान हो रहा हो तो उससे बेहतर है कि आप कोई दूसरा रास्ता चुन लें। मुझे लगता है कि आप लोग जो मुझे देख रहे हैं वो मेरी बात समझेंगे, और जिस तरह से आपका प्यार मुझे मिलता रहा है, मिलता रहेगा। बहुत धन्यवाद।